दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में गिने जाने वाले जिम सिमोंस का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। मार्केट के दिग्गज निवेशकों में गिने जाने वाले जिम गणित के सहारे बड़ी बड़ी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने बाद में फाइनेंशियल वर्ल्ड को ट्रेडिंग का एक नया रास्ता सिखाया। एल्गो ट्रेडिंग से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर वॉरेन बफे और जॉर्ज सोरोस को भी परफॉर्मेंस के मामले में पीछे छोड़ने वाले जिम सिमोंस को शेयर बाजार से जुड़े लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। चलिए आपको भी मुलाकात कराते हैं जिम सिमोंस से। नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिजतक। जिम सिमोंस 86 साल के थे। उनके ऑर्गेनाइजेशन सिमोंस फाउंडेशन ने जानकारी देते हुए कहा कि उनका निधन शुक्रवार 11 मई को हुआ। हालांकि कंपनी ने कारणों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। सिमोंस एक सफल निवेशक थे और उससे भी ज्यादा उनका एक सक्सेसफुल मैथमेटिशियन के रूप में सम्मान था, जिसने साइंस के लिए काफी काम किया था। सिमोंस ने 1980 के दशक में कंप्यूटर आधारित एक क्वांटिटेटिव अप्रोच अपनाकर ट्रेडिंग की दुनिया में एक नई क्रांति की अगुवाई की। वॉल स्ट्रीट के लोग ने इसके बाद में फॉलो करना शुरू किया। उन्होंने और उनकी टीम ने बाजार में लगातार बेहतर प्रदर्शन करने के लिए ट्रेडिंग एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। यहां तक कि उन्होंने प्रदर्शन के मामले में वॉरेन बफे और जॉर्ज सोरोस को भी पीछे छोड़ दिया था। सिमोंस ने दुनिया के सबसे बड़े और सक्सेसफुल हेज फंडों में से एक रेनेसा टेक्नोलॉजीज की स्थापना की थी। टॉप परफॉर्मिंग फर्म ने अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डेवलप करने के लिए सिर्फ साइंटिस्ट को हायर किया था। साल 2007 में न्यूयॉर्क सम्मेलन के दौरान सिमोंस ने कहा था कि हम फिजिसिस्ट, मैथमेटिशियंस, एस्ट्रोनॉमर्स और कंप्यूटर साइंटिस्ट को ही नियुक्त करते हैं, जो आम तौर पर फाइनेंस के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ग्रेगरी ज़करमैन अपनी किताब द मैन हू सॉल्व्ड द मार्केट में कहते हैं कि जिम की मेडालियन फंड, जिसकी स्थापना 1988 में हुई, उसने 1988 से 2018 के बीच 66% का एनुअल रिटर्न दिया। 1988 में फंड की स्थापना के बाद ये फंड 100 अरब डॉलर का ट्रेडिंग प्रॉफिट दर्ज कर चुका है। दिग्गज इन्वेस्टर सिमोंस के बारे में सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने विज्ञान से जुड़े ऐसे कई प्रोजेक्ट को फंड किया जो महत्वपूर्ण थे, लेकिन उनको कहीं से भी फंड नहीं मिल रहा था। डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों का समर्थन और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भी काफी उन्होंने डोनेशन दिया। सिमोंस रेनेसा टेक्नोलॉजी की शुरुआत करने से पहले अमेरिकी सरकार के लिए कोड ब्रेकर के तौर पर काम कर रहे थे। उसके बाद वे मैथ के टीचर बने। सिमोंस मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और हार्वर्ड में मैथ भी पढ़ाते थे। हालांकि बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। बतौर कोड ब्रेकर उन्होंने कई समस्याओं को आसानी से सॉल्व किया। इस अनुभव ने उन्हें बाजार को समझने के लिए गणित के इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया। इतना ही नहीं, बाजार की चाल को समझने के लिए उन्होंने गणितज्ञों यानी कि मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट की सेवाएं ली। सिमोंस को गणित की दुनिया में उनके योगदान के लिए 2022 में एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तब उन्होंने कहा था कि मैंने बहुत सारा गणित किया, मैंने बहुत सारा पैसा कमाया और मैंने लगभग सारा पैसा दे दिया। यही मेरे जीवन की कहानी है। सिमोंस ने कभी भी इस रहस्य को शेयर नहीं किया कि कैसे उन्होंने S&P 500 इंडेक्स पर अपने फंड से 4 गुना रिटर्न कमाया। 1988 से 2023 तक मोटी फीस के बाद भी उनके मेडालियन फंड ने 40% का एवरेज एनुअल रिटर्न दिया, जिस कारण सिमोंस और उनके 3 सहयोगी अरबपति बन गए। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक सिमोंस की नेटवर्थ 31.4 अरब डॉलर यानी कि लगभग 2.62 लाख करोड़ रुपए है और ये अमेरिका के 48वें अरबपति थे। 25 अप्रैल 1938 को बोस्टन के सबर्ब ब्रुकलिन में जन्मे सिमोंस 3 साल की उम्र से ही मैथ में माहिर थे। MIT में सिर्फ 3 साल के स्टडी के बाद 1988 में मैथ में ग्रेजुएशन उन्होंने पूरा किया। अपनी PhD की पढ़ाई के दौरान बर्कले में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में उन्होंने पहली बार निवेश किया। इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बेशुमार दौलत कमाई। लेकिन आज जिम सिमोंस 86 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। ऐसे में आपका क्या कुछ कहना है उनके कंट्रीब्यूशन को लेकर, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस एड की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।